कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं पहले ठीक नहीं थी, मगर अब तुम्हारी आवाज सुन के बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो तुम्हें ये फैसला जल्दी करना चाहिए था ना, कि जल्दी मेरी आवाज सुनती और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाता। बिजी आ रहा है उसका फोन। बिजी तो होगा, उस लड़की ने ऐसा अपने शिकंजे में डाला है उसे, किसी और बात का होश थोड़ी है। तानी, ये बात करने का कौन सा तरीका है? इसी बात का लिहाज कर लो कि वो हमारी होने वाली बहू है। बहू मेरी जूती है। आप फोन मिलाए रेहान को, और जब तक उठाना ले मिलाते रहे। तानी, फोन मिलाए ना रेहान को। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? पहले था, लेकिन अब नहीं हूं। तैबा, पूरी जिंदगी हम दोनों ने एक साथ गुजारनी है। तो बेहतर नहीं है तुम मेरी मर्जी के हिसाब से चलो? और वैसे भी अगर यूं ही छोटी छोटी बातों पे हम दोनों के बीच में तनाव आता रहा तो आगे चल के तो पता नहीं कितने मसाइल पैदा हो जाएंगे। हाँ 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 रियान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उस वक्त जब तुमने मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने का कहा, मुझे तुम्हारी बात तभी समझ लेनी चाहिए थी, लेकिन बस मैं अब तो हमारे दरमियान सब कुछ ठीक है ना? हाँ, हमारे बीच में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मम्मी अभी भी नाराज है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उनको मना लूंगी। मैं खुद जाके उनसे एक्सक्यूज करूंगी। बेहतर है कि तुम इस बार अपने साथ अपनी आतिका अम्मी को भी ले जाओ, क्योंकि मम्मी की नाराजगी तुमसे नहीं, उनसे। और वैसे भी तैयबा, जब रईस मामू का रिश्ता हो रहा था, तुम्हें और आतिका अम्मी को खुद मिठाई लेके मम्मी के पास जाना चाहिए था ना? पता है, ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। सही है रेहान, मैं आतिका अम्मी से कह दूंगी, वो मेरे साथ चलेंगी और खुद ही मामला रफा दफा कर देंगी। ठीक है, वो चली जाएंगी ना साथ तुम्हारे? हाँ हाँ, क्यों नहीं जाएंगी? वो मेरी किसी बात से इनकार नहीं करती। गुड, अब मैं चाहता हूं तैयबा, तुम मेरी एक बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लो। तैयबा, मुझे नहीं पसंद तुम किसी के भी मामले में किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत रखो, चाहे वो तुम्हारे रईस मामू हो, चाहे तुम्हारी फ्रेंड रुतबा हो। हर वक्त तुम पागलों की तरह इनके चक्कर में भाग रही होती हो, उन्हें ये ना बुरा लग जाए, उन्हें ये पसंद है। तैबा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी का सारा फोकस मेरी और तुम्हारी रिलेशनशिप पे करो, सारा फोकस मुझ पे करो। तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या ना पसंद है।